एगो कवि जी के नई खोज बा प्रमुख जी। वाह, बतावल जला कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इतिहास गवाह है वीर लोरी के विषय में बड़ा पहले कभी रहा हम गोले बानी कम गावत रही है। बा, बा। लेकिन वो कहानी प्यारे लाल कवि जी लिख देना कि गावे के पड़ल। वीर लोरी के इतिहास के विषय में जाना तानी। गाजीपुर का वह हिस्सा जिसे बलिया कहा गया जिला तो बाद में हुआ, बड़े लड़ाका और बड़े बहादुर बलिया के लोग हुआ करते थे और हुआ करते हैं। बलिया के गौरा के धरती पर दू गो लड़का पैदा लिहलन जन्म लिहलन से जो लड़कन का नाम बताल गईल। एक जना का नाम सवरू आ एक जना का नाम लोरी। प्रतिभा तो बचपन से ही पहचान में आ जाती है कि ये बच्चा आगे चल के क्या करेगा। लोरी खेल में कूद में झगड़ा में लड़ाई में पढ़ाई में कुल में आगे रहलन। जवन गदा जोड़ी या तलवार के हुस से ना उठत रहे तवन गदा जोड़ी तलवार बचपने में 16 साल की उम्र में लोरी को उठा करके सिद्ध कर दिया कि मैं बलशाली हूँ। जवन घोड़ा केहू से न धरा है तो उन्हें घोड़ा पर सवारी करत रहलन। लोग बतावल जला बतावल कि बोहा के वनशक्ति और साक्षात माई दुर्गा का आशीर्वाद। कहानी का शुरुआत हो गई तनी आनंद लेब सभे। वो जमाने भी पापियों की कमी नहीं थी यदुवंशी जी। अघोरी के माहर के घर में राजा वहां का था। माहर के घर में एक बेटी पैदा लेहलस जौना लड़की का नाम बतावल गई मंजरी जेके लोग लड़की में कहेला बाबा मजरी। जन्म त इतनी सुंदर इतना हाला भइल कि वहां का एक उदंड राजा आकर के मजरी के खलाई में धागा बांध दिया। जहिया ले जवान हुई तहिया ले से ब्याह कर आज ठीक हो तब ढेर खराब रहे। ऐसा सुन ले बानी क्योंकि घर में बेटी पैदा होके के हुआ के वही सौरिये में धागा बांध दे कि जहिया जवान हुई तहिया ब्याह कर ई मारे का काम ना हो तो कहल जला कि जबरा मारे और रोहू न दे। लड़की जवान भाई लोरी कैलम मार के जबरदस्ती वो लड़की के लेके ब्याह करके चली अलम बोहा में। तो कभी लिखते हैं आज के मुलाकित के मार के लेके मंजरी का टोला चल दहला तो वही पहुंचला मारकुंडी के पहाड़ी पर उतर गई। अकलत की स्वामी अब तो हमार नैहर नगर छुटते बा और हुआ चला ताली तो अपना बिरताई का परिचय दे दी। निकाल करके तलवार लोरी के मारता है और पत्थर की छाती फट गई। आज भी मारकुंडी पहाड़ पर फटल पहाड़ बाटे। वही जो लोरी का मूर्ति बा अब वही जो जौन बात हर साल हम बिरा एक हम जरूर गाई लो जा और एक गौया केहू रहा गौया हम रही लौ। लोग बहुत रहना देते रहे हाई भैया लोग भी कहते रहे कि अकुल गावल हो फौजी का गावल हो कांड गावल हो तब लेकर के मंजरी का डोला जब आगे चल देते हैं तो कहल जला कि मारल चोर पुआसल पाहुन ताके बाउन ताके। महेंद्र तो से ज्यादा की जन समय खुटाई से तू भागल कभी लिख रहा बारी वो जवान के वीरताई पर लिख रहा बानी की शक्ति विमलावती रत्नगर भावती। ये देखिए प्यारे लाल कवि जो फिल्मों में लिखते हैं दिलवा ले गई ले राजा बोतल में भर के घड़ी ट्रेंडिंग में चला था। उठी है बलम जी तनी ढिबरी जलाई हमारा चोलिए में ना जाने कनिका गोइल बा समाई। लिया बंगलिया से दवैया ये राजा जी जब से ओढ़नी फसल बा चैन से बेचैनी दीवाना हो गई। प्यारे लाल बिरहा का लेखक जब फिल्मों में लिखता है तो वीर रस पर क्या देता है भाव। कभी जी लिखते हैं क्या कि शक्ति विमलावती रत्नगर भावती बन भयंकर सियागर में लेती उमंग है तरुणित विकट व्योम लोहित धरा है भरा है प्रभंजन तूफानी प्रसंग है शक्ति सागर उजागर बना है तरुणित भूकंप कंप तालिम तरंग है रंगत भरी उस जवान के जवानी में लोहू लहरता सदा अंग अंग है।
वीर रस का भाव जो लेके मजरी का डोला छोड़ आई हूँ तो सबसे दुख ज्यादा के भइल बा के मोला गीत के कि साला कलाई में राखी बनलिय हम आई कन कहा गौरा से गो अहिर आई लल्ले के छोल गई अब मरल स्तर ऊपर से जब जब पुरुआ बहता तो देह का बाता दुखाता आई होता दाई कैसे देखा इज्जत का घाव ना मिटाले शानदार आदमी जब इज्जत का घाव लग जाले उके ओकरा इज्जत पर ठेस पहुंच जाला तो वो मिटाला ना कबाली का तर्ज नया लगल कैसा कि होठों पे तेरे प्यार का होठों पे तेरे प्यार का इजहार होना देखी कितना बढ़िया बा अहले अहले वतन पर जो मरे अरे अहले वतन पर जो मरे दिलदार होता है अरे लाखों करोड़ों में वही लाखों करोड़ों में सरदार होता का शुरुआत हो गई क्या है कभी जी लिखा था हरण के लिए जवानी हरण के लिए जवानी मर्दों के लिए मर्दाई हरण के लिए जवानी मर्दों के लिए मर्दाई कायर के लिए कायर पीरों के लिए बिताई पानी पर पानी वाला पानी पर एगो गीत गवात रहे क्या बात है पानीदार मर्द नीक पानीदार मर्द नीक पानीदार प्राण दे के कीन लेत नाम को काशी एमएलसी गाम जब हमनी से विरा होके जब एमएलसी ना रहो पानी पर कभी लिखते हैं क्या पानी पर पानी वाला हर पानी पर मर जाता पानी पर पानी वाला हर पानी पर मर जाता इतिहास उसी का बनता जो नाम अमर कर जाता लेकिन गौरा वीरों की धरती गौरा वीरों की धरती लोरी पर चढ़ी जवानी गौरा वीरों की धरती लोरी पर चढ़ी जवानी पाए पर शक्ति झूमा पहने दुर्गा महारानी लेकिन लोरी का जज्बा का रहे कि बंगरा पर चढ़ के लोरी
मंगरा पर चढ़ के लोरी जब जब तेगा चमकावे रण छोड़ के भागे दुश्मन छिप छिप के जान बतावे बोहा में खनल अखाड़ा जहां लोरिक जोर अजमावे। सबसे पहले समाजवाद की स्थापना धरती पर इस कलयुग में कौन किया लिखना पड़ेगा वीर लोरिक ने किया। काहे वीर लोरिक के अखाड़ा में लड़वैया के रहे जदवंशी जी के पहले नंबर पर जिकरा के लोरिक अपन गुरु मानत रहलन उ रहे अजय धोबी। दूसरा नंबर पर वीर बाठा बठवा चमार। तीसरा नंबर पर रतनुआ भाट। चौथा नंबर पर शीतल तेली दुबरी पंडित ऐसन ऐसन लोगन बीच में रहला जकरा संग मल युद्ध होके अखाड़ा पर चाना या रस घुघुरी आवे तो एक में बैठ के सबके उखात रहे ई समाजवाद रहे लोरिक का। हल्ला मच गइल बा जोर रोज बढ़े लगल। एगो बात बताई इतना भैया बैठल बानी सबे ई आंशिक होला चाहे लड़वैया होके गवैया होके पढ़वैया होके चाहे राजनीतिज्ञ होके ई अंश में भगवान जकरा के डल्ले बाणन उहे होई। अपना बनारस में हम रहिला हमार कर्म भूमि है महादेव के नगर में प्रमुख जी देखा देखी कितना बाप लोगन के हम दिखली कि बोरा का बोरा बदाम अपना लैका के लाट किया घी खिया दल उ खाली दिन भर लैका छेड़लस भइल कुछ ना खाली बोकला गिरौलस कुछ ना बोरा का बोरा हाथवा मिलते ऐसन पर नाव ना बताई यूट्यूब बचल जाए धाय दे। एगो ऐसन लड़वैया रहे कि ओकरा बहुत जोर रहे बहुत ओकर बाप मतारी शौक से खियौलो लेकिन जब हाथ मिले तो ओकरा बुखार हो जा एकदम सब बुखार में तपल दहिया टोक ओकर बाबू कहाँ की बेटा आज बुखार हो जा दस दंगल जब इतर देख लो तो बादाम बंद कर दिल कहना बेटा तुहके तो बुखार बादामे से हो था बादाम मत खाए तू बादाम बंद करा। कभी जी लिखा था मन हल्ला मचलबा कौरा चीज का हल्ला मचलबा मास्टर ये लाइन का जब हम गाई ला जदवंशी जी तो हमके आपन याद आ जला देवा बिरहा जगत में चारों तरफ एकदम कांटा ही कांटा रहे बड़े बड़े लोग बड़े बड़े गवैया बड़े बड़े सम्राट वही में गयो छोटी मुटका पौधा के रूप में ही तेरे बीच से हम निकल लली। आज के जमाने में तो हम इंटरटेनमेंट बा कई लड़का बड़ा जा कुल मेहरारू बाड़ी सब समय मेहरारू भी ना रही सर बड़े बड़े कलाकार जहाँ रामदेव उस्ताद बुल्लू उस्ताद सिमरत उस्ताद पारस उस्ताद हीरा उस्ताद इधर आजमगढ़ में हमारे गुरु भाई बेसन भाई उधर परशुराम भाई ऐसे ऐसे कलाकार विश्वनाथ भाई दीपक भाई ऐसे ऐसे कलाकार जहाँ लेकर के बिरहा का कारवां चल रहे थे वहीं एक छोटे से गांव से छोटा सा लड़का निकला और निकला तो बारूद बन के चिंगारी फट पड़ी बिरहा जगत पर। यह दया किसकी रही आप लोगों की। आप लोगों ने इतना सुना कि हमारे कद को बढ़ा करके सबसे ऊपर कर दिया। जब मैं लेकर के चला तो मेरे गीत के पीछे बिरहा समाज पड़ा पूरा छोटका बड़का केहू का नाम ना ले केहू पहुंचल नहीं खे जो विजय लाल के कारवां के पीछे में चल गया हो। मैं ये सब कभी बकता नहीं गैया तो आजकल खड़ा होके अपन कुल जन्म कुंडली बताओ लगत कि हम का रहल हमार बाप का रहल बारा ना पड़ है ये सब आप बाप का नाम लेना है यार बाप जो किए उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम आप चमक रहे हैं। हल्ला मचलबा कैसे हल्ला मचलबा मास्टर गौरवा में गौरवा में हो रे गर्जन ये गोया ओ हीरे का।
संग बड़ियार केहू ना, सबसे बड़ियार संग के हा, अरे संग बड़ियार केहू ना, होला बड़ा भाई से रोज सवरू दादा, अरे सी रोज सवरू दादा दुधावा मनाई से, मुलाकी भेजले बा अपना को पट्ठा के जाकर लोरी कहाई बाता तूर के आई है के इधर मुलाकी का पट्ठा मन मनता जो सुखा पट्ठा मनमंता जो संभाल। जदवंशी जी बहुत बिरा सुन लो खबे के तनी सुन ले 10 मिनट। ढेर दिन के बाद बैठो ले बनियाद। आ केकरा छाती में हमारा गुरु के, हमारा गुरु मुलाकित के, इस साला पटक के अब मार के ले के मजरी का डोला चल गई। ये कौन या हीरा कहा कहा? गुरु हमार नाराज रहलन दुखी रहलन चलो। और सार की खोज के पटक देह में जोर बा, चलते 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 चल दिया। कहा आइल? बनारस रामनगर किला के सामने संजोग देखी। डेढ़ बजे पहुंचल बाटे बनारस में मनमंता। अब मनमंता अपना एगो संगी के साथे पहुंचल बा जो लंगोटा जंघिया झोरा लेके ढोवता। अरे पहलवान मनमंता बढ़िया पहलवान रहे बड़का। आ जाके देखलस तो रामनगर किला के सोझे कुश्ती का दंगल होता। रामनगर का राजा काशी नरेश हाथी पर बैठ के दंगल देख रहल बानी। वही घड़ी दंगल में हलल हवा कैसे बनेला, एक चक्कर घूमलस दू जना से हाथ मिलौलस। आजकल के पहलवान सुना हो, दू जना से हाथ मिलौलस, 7 मिनट के अंदर पटक के दोनों जना के खाली हो गए। तीसरका और घूमे लगल। अब दू जना के पटक दल से जितना लड़वैया रहल कुल दबक गई। अरे साला बहुत तेज है। एक जना और चल लो कहो कि हम लड़ो काशी नरेश, कहो के भाई पहलवान को मन बा के ऊ और लड़ जा। एक जना और लो नहु के पटक के छोड़ गल। अब डरा गइल हदी मियो कि रे मूर्ति ए ई तो साला धरता धरती पटक देता रे बाबू। वही जे काशी नरेश पूछो तना हथिये पर से बैठल के ए बचवा पहलवान कहाँ के रहने वाला रहे वाला हुआ। अरे बा, का जंगल से आल हई जंगली हई, अगोरी हमार घर ह सोनभद्र वनांचल में। ए राजा साहब का झूठ बोले के बा, ए मर्द का न कबो खैले से पेट भरल आ न कबो लड़ले से पेट भरल। काशी नरेश हथिये पर से कहला, अरे पहलवान जिसका न जोर मिले पूरे संसार में और उसका मिल जाता भोले बाबा के दरबार में। रुका तेज रहा, हर तवार के यहाँ कुश्ती हो ले, तोहार जोड़ तो के हम दे पहलवान। लेकिन कभी जी लिखत अलन कैसन कैसे अरे तीन चीज नहीं बस में रहेला, माची अरे तीन चीज नहीं बस में रहेला, आगे पानी जवानी तीन
सके घर पे खाके कहन लगा मन मनता यही पूर्वांचल में जोर के रोटी हमारा संग हनुमंता काली पूरवन से मन मनता तेरा दोस्त मेरा गर्व से छाती चौड़ी करना अलग है लेकिन घमंड करना गलत है। मनमंता के इतना घमंड भइल बा कि चार एतवार लगातार काशी नरेश के दरबार में दंगल होता गया, लड़ता गया, पटकता गया। चार एतवार में एको एतवार कहियो पटकाइल ना। चौथा एतवार एक महीना के बाद काशी नरेश के सामने खड़ा हुआ और हंकार भरे लफ्जों से काशी नरेश को कहा कि ए राजा जी क्षमा करी हम बड़बड़ जने का कसल लंगोटा लड़े में हमसे छूट गई। काशी नरेश का 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 कहले है एक बार फिर कहिए का कह रहे महाराज बड़बड़ जने का कसल लंगोटा लड़े में हमसे छूट गई आ लागो तक कितना बावन में कुल चलत अखाड़ा टूट गई लड़े जोग हे महाराज गलती के क्षमा करी लड़े जोग हे महाराज ना पट्ठा कौनो पारी ला अब पैर में धक्का मार मार के अपन जोर अजमाई ला तुहरे दरबार में भोजन हमरा के मिलल लेकिन लड़वैया न मिलल न लड़ले से पेट भरल। काशी नरेश के दिल में बात जैसे कांटा चुभेले वही तरह चुभ गई कि अरे हम कहले रही हमी कि जिसका न जोड़ मिले पूरे संसार में उसका मिल जाता भोले बाबा के दरबार। आई देखा हमरो करता संजोग से इलाइन ऐसन बा के हमरे गुरु जी के तर्जबा राम दो गुरु बड़ा हिला के तर्ज के गावत रहा कैसे मास्टर कैसे बाबा तनिसा लग जाई का कोमल विपिन बाबा आप लोग भी गौले हुआ तर्ज के कह के गज भर के गुजोरी गज पतिया दिल में चुभ से हाय काशी नरेश के लिखा लगल चिट्ठी
लिखा है लगल चिट्ठी पहली पत्रकार से कहां पहुंचल कहां कि पकुरी पूरा खबारा पलल है पकुरी पूरा खबारा पलल है बीरा बथावा चमार हो भटौली से रतनुआ भाग भई गयल अंदर खबर के मिलल एगो पत्र और मिल गई कहां गई कि पकुड़ी पूरा खबारा पलल बीरा बथावा चमार हो भटौली से रतनुआ भाग बनी गयल अंगार हो लेकिन पान बेद है अरे पान बेद है वहां तो मरी नरेश के चुभारे पतिया दिल में चुभारे टाइम बा सौर दादा गाय दुहत हो इन के आएगो चट्ठी पहुंचल बा लेकिन लोरी के पता नहीं थे अब मेन पॉइंट पर आए गाय दुहत हो बोहा में लोरी को जब बैठल हुआ लोटा ढगरावत हूँ कि भैया दूधवा दात चलिया खा ला एगो गाय के दूध खा ली लोरी पियत रह जना गाय के नाम रहे सुरही सुरही गाय के दूध दूत रह लगाए दुहावत हुआ आ धीरे धीरे सौर दादा कहत हुआ कि कैसे ये गोकीदर लोटा रोक लहला लोरी का कहल कैसे ये गोकीदर छोड़लस तेरा बात पत्ती रहो अरे ललकार लो सवरुआ जतौरा यही लो का कहत हुआ भुन 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 समझ में नहीं खे आव लोरिक सौरू से कहलों कि एगो कुश्ती लड़े के बा लड़ब लोरिक कहलों कि काहे ना लड़ब त चले के हुई बनारस कहना बे पहलवान तनी असकति होबो करलो महाराज है बलिया मऊले आजमगढ़ ले रोहित गाजीपुर ले तोरा घूम के ल बनारस हो देखे जाई कला रे राजा का पत्र आइल बा कला केहू का पत्र आवे ऊ राजा हुओ रामनगर का काशी का तो हम अनियो के यहाँ का राजे हैं जा मन हो ना जाई तब सौरू दादा कहो कि अपमानित मत करा राजा राजे होला अपना मन का राजा तो दुनिया बा कभी जी भाव दिखल का कहत हूँ ए लोरिक सुना बड़ भाई है तो से मांगत है हाथ जोड़ के का किसकी कीमत चुकाई है भयवा सुरही के दूध का कैसे चुकाई कहा कि तोड़ती है पजरी को करे कहना चला हाई देखा कभी जी का यहां कारीगरी
अरे खाली लड़े के नहीं खेरे पगला, तो से बड़ बानी हम कहा बाड़ तो सेवा तोहर करीला बाप मतिन तो के मानीला कला रे पगला चल वहां एगो दर्शन कराई के कर दर्शन करे भाई यहाँ तो बड़ले बड़न हे न गंगा पार हो जाई तो बाबा परमेश्वर नाथ बाणन बलिया में बाबा भृगु बाबा बाणन और ककर दर्शन करेबा तब लोरिक से समरू कहलन हरे पागल की काशी में हाँ अरे काशी में तेवर ताने है खड़े के तेरी बहुत सुन ले हो खब समरू लोरिक से कहत हन कि काशी में तेवर ताने हैं खड़े के दिखाई स्टाइल जोन तेरी हम गावत है देवालाल स्टाइल हमारे राम दोस्ताद कह हमके बड़ा अच्छा लगे ले आप लोग को भी अच्छा लगी कैसे अरे काशी में तेवर ताने हैं खड़े सूत्र सुन लिया मृक्षाल का फेटा शिव त्रिशूल लिए मृक्षाल का फेंटा बांधे काशी में तेवर ताने हैं खड़े अवधूत विश्व बंदिते असुरन का दल हतंत थे त्रिशूल कर में धार के बागंबरी समार के आवा चला दर्शन करवा दे गंगा माई में न स्नान कलिह अरे दुनिया में गंगा माई में नहीं बा बनारस के नहाई लगवल गया बुलावल गए लोग के बुलावल गई ना अजय धोबी उस्ताद चले के हा उठा ले हला अजय धोबी बुलावल गई लन वीर बठवा चमार बुलावल गई लन अयर तनुआ भाट बुलावल गई लन शीतल तेली बुलावल गई लन सबके ले ले हलन दुबरी पंडित जी के भी ले ले हलन आ ले के साथ में चलन है और कहा चले के बाबा नारस जब चलना तो बिरहा का भाव तनी और गर्म हो गल मास्टर आज गंगा में स्नान कई लोरी और उठा के जल भगवान भोले शंकर पर हर हरा के डलना डाल के जब नैया पर आके बैठलन हर रामनगर किला के सोझे दंगल थरथरायल हो इतना भैया बैठल बानी जब बिरहा तो खूब सुनिला आई दू पकड़ हो जाता विद्वंशी जी वही दू पकड़ का वो लड़नते हैं राजनीत में वो लड़िए हैं बिरहा में वो लड़िए हैं पहलवानी का वो लड़िए हैं आई लोग जो बाजार हल बड़ा वो लड़िए हैं इस सबका बसना है चुत्तर पर बहुत लोग ठोंक दी थमा जाए तो लगी इंग्लिश बोला बिरहा का भाव बड़ा ऊंचा हो कैसे चल रहा मास्टर एकर तर्ज रहल करो मेहरारू अपने मरद कहतल एकदम निकम्मा हुआ कहा के चलो रोज मई के अरे चला राजा मई के अरे नौकरी लगा उलाई दे लेकिन चले पीर लोरी एक बार जोरदार ताली से सम्मान करें आप आने वाले कल का स्टार आने वाले कल का भविष्य आने वाले कल का विजय लाल यादव ये हमारा बच्चा है देवालाल जोरदार ताली से सम्मान करें अपने फन का बड़ा माहिर बहुत सुंदर कलाकार बस ये कही बात बराबर मंच से लेकर नीचे तक समझाता हूँ कि जितना ही शालीनता होगी अंदर जितना ही नरमाहट होगी अंदर उतना ही महफिल हमेशा गर्म हाथों पर लिए रहेगी इसको हमेशा बरकरार रखिएगा और बिरहा के लिए अपने लिए गाते हैं गाइए बिरहा के लिए हमने अपने लिए 25% गाया है जदवंशी जी बिरहा के लिए 75% गाया है तब जाके बिरहा आज यहाँ खड़ी है कहा विपिन बाबा ठीक ना तो देवालाल यादव ये हमारा बच्चा हमारा शिष्य और बहुत सुंदर कलाकार जितना कहूँ कम है इस समय बच्चों में चर्चा है लड़कों में इंटरटेनमेंट की दुनिया में चर्चा है लेकिन बिरहा अंतिम लाइन पर चला था 2 मिनट बाद गंगा जी में स्नान कर लो स्नान करके आके नैया पर बैठला तिलक त्रिपुंड लगल बा ऐसे चलन महंदा कि चले पीरा लोरी अरे बाबू पीरा भाई के
अब तो नहीं आवाज दू लाइन कुश्ती हो जावा के लोग बैठ गए चदरा उड़ के जनवरी फरवरी का महीना बा मनमंता चढ़ा के लंगोटा जंघिया अब दंगल में गुरना गुरना के घूमता। अरे राजा जी हाथी पर बैठल बानी ध्यान दे अजा के राजा जी कह रहे ठोकता खत्म केहू नहीं खे है जो इनाम रखल बड़ा तो इनाम का रख रहे मास्टर अरे काशी नरेश तबई नाम रखल वाला और सर का मुकुट एक गदा तबल बैठा के एगो चांदी का गदा सोने का मुकुट और सरफी से भरल झोरी सोना का सरफी और एगो घोड़ा बांधल बा यही पर जो जीत जाए ओकरा के मनमंता कहलस कि नहीं खे के झूठे रहुआ वक्त बर्बाद करता नहीं हई इनाम दे ही आ हम लेके यहाँ से ही ली तब बिरात ने और गर्म हो गए मास्टर अंतिम क्लाइमेक्स बा अब आइल बा अपने गुरु को बदला लेवे खातिर तनि ध्यान देव सभी आ लोरिक लोरिक पहलवान आइल बालन गड़गौरा से राजा के सम्मान में की चिट्ठी देले बालन दंगल का स्थिति का बा अरे गहिर खनाई अरे गहिर खनाई आ खाल है माई का लाल तो राजा लड़ ले लोरिक बउरा के उठल चलो चदरा फेंक के आतौले वीर बठवा अउरी और तनुआ भाट दोनों से दोनों कलाई धले हुए सब कहा का जा तनी साला के लड़ के अबे बताओ तनी कहला ना पहले हमनी के लड़ लेवे दा हमनी के पहले लड़ लेवे दा बठवा वीर भाट और तनुआ दोनों जाने गई लोग हाथ में आके पारा परी दंगल में कैसे मनमंता से बठवा वीर भाट और तनुआ कुश्ती गई ना हार हो आहि दादा दो दो मिनट में बैठो के और तनुआ भाट के पटक के अजा है बजरंग अजा के राजा के राजा के आगे कहलस कि अब दे दो हालत का बा का? कि पठावा तीरिया भाट रे तनुआ कुश्ती कई ना हार हो आकाशी नरेश के दिल के धड़कन करे लगल रफ्तार हो लेकिन कहो मरमंता कहो मरमंता अब का केहू रोटी खाती पिरवन के तौले चढ़े लखोरे लोरी कहले काती बठवा वीर भाट रतनुआ कुश्ती गईले हार हो हे से मना करी ला जाए दिन भर कुकुर मतिन दौड़ले से ना होला आ दौड़बो करत जा के खा पी के सुत जितना आराम कैले रही आदमी उतना बढ़िया ओकर आवाज रही कहे मनमंता अब का केहू आटी खाटी बीरवन के कहे अखाड़े लोरी कहला डांटी खाटी बीरवन के खाड़े पर चढ़ के और लोरिक डतला कहना सुना बाबा बहुत बड़ बड़ के बोल दिला यहाँ बिरहा के लाइन में जोन ई हमार विजयलाल स्पेशल है केहू केहू का स्पेशल होला
ये विजय लाल स्पेशल कैसे है मास्टर? लोरी का खाने पर चढ़ गई लन आ चढ़ के ही सारा कैला नहीं आल्हा हमरे यहाँ खानपुर बेलहरी मोहम्मद हरी मास्टर का आल्हा बा ये भी रहा में शूट करेला कैसे लोरी चढ़ गेला कल रे पहलवान बोला लड़वैया के पटक कल हला तुहार इतना जोर बढ़ गई आ कहलन कि थोड़ी कैला जले नदी तेरा लोरिक तुरते लिए उठाए ए भैया 45 मिनट ले रुक धलस अरे बा खींच के नल्ली बाहर अल्ली पर लोरिक तुरते लिए उठाए बच गई ले जोधा मनमंता कुश्ती बड़ी कांटे का बाय 40 मिनट कितना 40 मिनट ए बाबा रोक धलस लोरिको के बा हे तरह पीछे हाथ धर के सौरू दादा खड़ा हुआ कहा कि ये लोरी पटोक जो कौरी राजा जी हाथी पर बैठल मण उन्हों का करेजा डगमगाता कि रे बुबक एहू के पटोक दे कारे अब जैसे खड़ा खड़ा देखा यो दम भरा लगना सौरू दादा जाए लोरी ये उम्मीद तो से ना रही है ये मदबा यहाँ फिर आल्हा चेंज होता कि डूबल चाहिए हो लोरी हाथ मिलौले बाड़ा लड़त हुवन दोनों पहलवान दाह पदा लगत हो एक हाथ मनमंता से छोड़ा के आ भैया को घूम के हे इधर तकलना का कहत हो तो सरदा कहत हूं कि डूबल चाहिए हो लोरी ई गौरा के पगारिया भैया चल
रानी दुर्गा की उठली बन सकती यार उठ गई ला भैया जोरावा तोहार अगिया लगल तहिया लोरी के बदन में खींच मुल्तानी पले हलों उठाए तान के पटकले जमीनिया के ऊपर कि अखाड़े का मटिया गईल बा छिटाए अरे पटक के लोरी को छाती पर गोड़ धो दिया काशी नरेश के अंतिम दू लाइन बिरहा भाग और करी काशी नरेश के प्रणाम करत हूं तब ख्याल में धरा ख्याल में धरा अरे वे अच्छी उगल चुतरे में हाथ भले अखाड़े पर गिरल बाटे अखी लाइन में दू लाइन बता देखी अखाड़े पर गिरल बाटे करा छाती पर है इतना गोर धो के आ लोरी काशी नरेश के देखा शालीनता देखी पोजिशन देखिए क्या है तेरे जोन गिरल बा करे छाती पर लात बा और एक लात नीचे बा हे तरे काशी नरेश के प्रणाम कैल काशी नरेश मंत्रमुग्ध हो गेल कल बारे पट्ठा कुछ इनका खातिर कह कल हाँ कहब का कहल मास्टर फिर से जिन बनारस में उठा के रखिया ऐसे घमंडी तो खिलौना हुमन हाथ को खड़ा भइल मनमंता हाथ जोड़लस कलस के भाई हो अपन परिचय बतैब आखिरी लाइन बा अपन परिचय कहब कलाम उहे है जौन तोरा गुरु का बाता तोड़ के मेहरारू लिया के वहां से चलिए गुरी से तब गुरु जी से कह दे के गुरु जी जल्दी अपना मर का उपाय कलत उधर अहिर मरले बा उमामूली अहिर नहीं के साक्षात ओकरा दहिने रहिन पर दुर्गा बैठे ली ओकरा कोई हिला नहीं के सकत लेकिन राजा कितना खुश भइल बाड़न कि खुशी भइल है राजा खुशी भइल है राजा तुरत बिताई के चन्न पर लोरी के विदाई कइले चढ़ाई के तुरंग पे अरे लोग मन मनता के नाटक टकिया टकिया फिर साजिल बनारस में गुरु गणेश गुरु रामलाल की लीला रामदेव चंद्रिका कभी का जोड़ कोई काशी में देवता में है खड़े विजयी प्यार लाल हरदम शिव को पहचाने